कौशल दान से मैंने जिंदगी को इतना पढ़ा सिर्फ इंटरनेट के ज्ञान से। बस फर्क अगर समझना चाहो तो वो सिर्फ इतना है कि एक रॉन्ग क्लिक बन जाएगा पर्स और एक राइट क्लिक ला देगा बून। उपस्थ निर्णायक प्रधानाचार्य जी अध्यापक वो मेरे प्रिय सहपाठी, मैं कक्षा 10 की छात्रा वंशिका बेटा परंपरा सदन की ओर से आज आप सबके सामने सोशल मीडिया एक वरदान के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महोदय जी, जैसा कि अभी मेरी विपक्षी साथी ने कहा कि सोशल मीडिया इन दिनों लोकप्रियता के सोपान पर चढ़ रही है। आज आम आदमी को सोशल मीडिया के रूप में ऐसा माध्यम मिल गया है जिसके जरिए वे अपनी बात एक बड़ी आबादी तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया जहां कई मायनों में सार्थक नजर आती है, वहीं इसके दुरुपयोग के मामले भी सामने आते रहते हैं। श्रोतागण कहते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। कई तरह के प्रसिद्धि पाने वाले सोशल मीडिया आज हमारे जीवन के लिए अभिशाप बनती जा रही है, क्योंकि जब भी किसी चीज का दुरुपयोग होने लगता है तो वह वरदान नहीं अभिशाप बनने लग जाती है। सोशल मीडिया के जरिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ये गेम प्रकारी दूसरों के अकाउंट को हैक कर आपत्तिजनक तस्वीरें और अन्य सामग्रियां डालकर दुश्मनी निकाल रहे हैं। इधर कम उम्र के लोगों ने भी फेसबुक जैसी सोशल साइटों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसका उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी खबरें भी आई हैं कि सोशल मीडिया के कारण लोगों के वैवाहिक संबंधों में दरारें आ गई हैं। बीते समय में सांप्रदायिक हिंसा, दंगों, अफवाह फैलाने के मामले में सोशल मीडिया माध्यम का जमकर दुरुपयोग किया गया। साथियों, चलो बच्चों के बारे में बात की जाए। आज अधिकांश बच्चों के परिजन नौकरी पेशा हैं, वे अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, लिहाजा ये बच्चे फेसबुक और अन्य सोशल साइटों में मशगूल रहते हैं। आलम ऐसा है जनाब कि सोते जागते सिर्फ इसका ही ख्याल आया है, कितने लाइक, कितने कमेंट, कितना एंगेजमेंट पाया है। एक नोटिफिकेशन के रिंग सुनकर सब कुछ छोड़कर दौड़ा चला आया है। एक आस लगी होती है शायद लाइक कोई बढ़ाया है या कमेंट किसी का आया है। युवाओं में सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि का बहुत उत्साह है। वे अपना अधिकांश समय इन सोशल साइटों में पोस्ट डालने में, किसी की पोस्ट पर लाइक करने में, कमेंट करने में व्यतीत कर देते हैं, जिससे इनका महत्वपूर्ण समय नष्ट हो जाता है और इन्हें कुछ भी लाभ नहीं होता। लापरवाही से पढ़ाई करना, रातों जाकर दोस्तों से चैटिंग करना इनकी बुरी आदतों में आ गया है। इनकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार प्रकाशित की जा सकती है, घर बैठे बैठे अमेज़न से सब कुछ मंगाएं, रातों जाकर फेसबुक इंस्टा चलाएं, मोटे मोटे चश्मे लगवाएं, व्यर्थ खाकर अस्वस्थ हो जाएं, पढ़ाई करना तो भूल ही जाएं। सोशल मीडिया आज एक बीमारी का रूप ले रहा है। सोशल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल करने से लोगों को इसका नशा लग जाता है और वे अपने परिवार के प्रति प्रतिबद्धता छोड़कर घंटों कंप्यूटर और मोबाइल फोन से चिपके रहते हैं। अतः आप संभल जाएं, कहीं कुछ समय बाद यह ना कहना पड़े माँ बाप रूट गए मुझे पता ना चला, दोस्त पीछे छूट गए मुझे पता ना चला, बच्चे बड़े हो गए मुझे पता ना चला। एक दिन जब नेट बंद हुआ तो मैंने देखा, ए फेसबुक तुझमें मैं इस कदर खोया रहा, मैं कब अकेला हो गया मुझे पता ना चला। सोशल मीडिया ने आज चोरी विवरण, साइबर धोखाधड़, हैकिंग, वायरस के हमलों की संभावना को बढ़ावा दिया। यदि हम अपना पता, फोन नंबर या अपने परिवार से संबंधित कोई भी जानकारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डाल देते हैं तो हम अपनी गोपनीयता को खो देते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन किसी भी चीज का दुरुपयोग हानिकारक होता है। तो दोस्तों, अब तुम्हें खुद को समझाना होगा, अपने दिमाग को लगाना होगा, इस फालतू के चक्कर से बाहर निकलना होगा, इनकी सच्चाई को जानना होगा और सामने आए परिणाम को मानना होगा। अतः मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का अत्यधिक इस्तेमाल करना छोड़ दो और अपनी जिंदगी को एक नई राह की तरफ मोड़ दो। धन्यवाद।